तो हेलो गाइस, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आपको पता होगा कि खल्लारी मेला जो ना 31 दिसंबर को लगने वाला है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को जाके दिखाएंगे कि वहां का मेला किस तरह से तैयारी हो गई है और कितने सारे दुकान वगैरह या सर्कस ये सब आए हुए हैं। तो गाइस, हमारे आसपास के लोगों का कहना ये भी है कि वहां पर साल का पहला मेला लगता है, लेकिन हम देखा जाए तो 31 दिसंबर 2022 को ये मेला लगने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स बन रहा है बहुत ही बड़ा, ये अम्बेडकर चौक के पास बन रहा है और अम्बेडकर जी की मूर्ति जो ना अच्छे से दिखाई देगा। तो गाइस, यहाँ से हमको राइट जाना है, ये जो ना जीरापारा रोड है एंड यहाँ से हमको राइट जाना है इस साइड। तभी थोड़ा सा आगे काम है तो हम आगे जाके आते हैं। फाइनली गाइस, हम लोग उसी रोड पे निकल गए, ये है जीरापारा खल्लारी रोड, विश्रामपुर से राइट कटना है एंड अभी चलते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है वहाँ का। अरे माता जी देखे। तो गाइस, आप सब लोगों को पता होगा कि इधर ही माजिनगढ़ भी है, तो माजिनगढ़ का नज़ारा आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे है, जाके देख लेना। तो देखो पहाड़ भी दिख रहे हैं उधर का माजिनगढ़ का। तो गाइस, यहाँ से हमको लेफ्ट जाना है, तो यहाँ पर इको पर्यटक केंद्र माजिनगढ़ यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये जो आमाडीह है, तो आमाडीह से हमको आगे जाना है एंड यहाँ से माजिनगढ़ 5 किलोमीटर है। ये देखो सामने पूरा पहाड़ी पहाड़ है, पूरा यहाँ से इधर से स्टार्टिंग यानी पूरा राउंड से ही है पूरा इस साइड पहाड़ तो, एंड इस साइड से स्टार्टिंग जैसा है एंड इस साइड एंड है, लेकिन सभी तरफ जो ना पूरा पहाड़ी पहाड़ है एंड। तो गाइस, फाइनली हम लोग खल्लारी पहुँच चुके हैं और ये है खल्लारी, कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ का गाँव। कौन पास लगता है मेला जाके पता चलेगा। तो घर वगैरह तो लिपा पुती ये सब किए हैं इस साइड भी। ये देखो यही मैदान में, देखो गाइस सामने है पूरा मेला का सीन और ये यहाँ का मंदिर है और कुछ इस तरह से तैयारियाँ चल रही है यहाँ पर एंड यहाँ का स्टेज भी प्रॉपर तरीके से बनाए हुए नहीं है और शायद वहाँ पर क्रिकेट चैंपियन लीग चल रहा है और शायद यहाँ का ना 3 तारीख को है फाइनल मैच और मेला कुछ इस तरह से लगने की तैयारी में है। और अभी होटल वगैरह ये सब आए हुए हैं, पूरा दुनिया है, बाकी सब आएंगे बाद में। भाई साहब, होटल वालों का पहले से जुगाड़ करना पड़ता है तब जाके मेला में प्रॉपर तरीके से मिठाई वगैरह ये सब बनाते हैं, भजिया वगैरह, नहीं तो तुरंत वगैरह कहाँ हो जाएगा। तो गाइस, इधर कपड़ा वाले आ गए हैं इधर एंड छोटा सा लगता है और देखते हैं उस दिन मेला में यानी कि कल कितना ज़्यादा लगेगा। एंड ये देखो इस साइड है ये दुकान वगैरह, मार्केट जैसा लगा हुआ है आज एंड कल देखेंगे कितना ज़्यादा लगेगा। ये सब यहाँ मार्क वगैरह कर दिए हैं कि दुकान वगैरह कहाँ सेटअप होगा, मतलब लगाएंगे। ये सब सामने तक किए हैं और यहाँ पर चल रहा था क्रिकेट माजिनगढ़ चैंपियन लीग ऐसे कुछ है। तो इस साइड भी दुकान वगैरह लगा रहे हैं एंड बहुत सारा मार्क किए हुए हैं दुकान वगैरह, तो देख सकते हैं इस साइड भी मार्क वगैरह कर दिए हैं, तो काफ़ी बड़ा लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं किसी को कि भाई यहाँ पर साल का लास्ट मेला है या स्टार्टिंग मेला है। तो इस साइड से जाके पूछते हैं किसी को, बता पाएंगे या नहीं आई डोंट नो, बट देखते हैं क्या कुछ होता है। हम लोगों को बता दूं यहाँ का मेला कल लगने वाला है और अभी हम लोग नहीं पूछेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में मेला 2022 का लास्ट मेला है या 2023 का फर्स्ट मेला है, लेकिन ये जो ना आसपास एरिया का जो ना फर्स्ट मेला मानते हैं, एक्चुअल में ये पहला मेला है या नहीं ये आप लोगों को कल की वीडियो में पता चलेगा। कल हम आप लोगों को बताएंगे और पूछ के भी दिखाएंगे कि यहाँ के जो सियान लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे आखिर यहाँ का मेला ऐसा कैसे माना जाता है कि यहाँ पास एरिया का पहला मेला क्यों माना जाता है। तो कल की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक है, तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा आज के इस वीडियो में कि मेला की तैयारी किस तरह से यहाँ पर हो रही है एंड कितने सारे दुकान वगैरह आए हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।